अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ध्रुव, बेटा तू आ गया, तू ठीक तो है ना? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? तो फिर से बॉक्सिंग करके आ रहा है ना? रिश्ता में हम तेरा बाप लगता हूं ना, और ये तेरा परिवार खड़ा है, तुझसे बात कर रहा है, तुझसे सवाल पूछ रहा है और तू जवाब नहीं दे रहा। इतना बेशर्म हो गया, इतना खुदगर्ज हो गया है कि उनकी तरफ देख नहीं रहा, जवाब काहे नहीं दे रहा? कहां हो गया, कहां सुन के आया? हम बात कर रहा हूं, हम बात कर रहा तुझसे। बस कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे? पहले से ही हमारा बेटा इतना परेशान है और आप? बिल्कुल नहीं बोलना। कौन सा नशा करना लग गया? अभी नशा मां गाड़ी से एक आदमी को उड़ा दिया और मार के भाग गया। अपना फिक्र है नहीं, अब गाड़ी से उड़ा दिया और भाग गया। गाड़ी से? किसने कहा आपको? पूरा पलटन आया था। पापा प्लीज आप शांत हो जाइए, हम ध्रुव जी से बात करते हैं। ध्रुव जी आइए। कहाँ जा रहा? रुक जा, अब तुम रुक जा। जाने दीजिए ना उसे, सृष्टि संभाल लेगी, उसे बात करने दीजिए आप। संभाल कर बैठी। हम पूछ रहे हैं कि पापा बाहर बात क्या कर रहे थे। ध्रुव जी पहले आप शांत हो जाइए, पापा की बात की चिंता है आपको, लेकिन सर आपने आपको देखिए, आप जो खुद के साथ कर रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस बहुत हो गया, आप एक बार थाने से मिल ही लीजिए। चुप! देखो सृष्टि, हम जानते हैं तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, ये हम और धारी कभी एक नहीं होंगे। अब ये बताओ कि पापा बाहर क्या बात कर रहे थे? बताते, घर पर पुलिस आई थी, इंस्पेक्टर ने कहा कि आप पर हिट एंड रन का केस है और इस केस की चश्मदीद गवाह थानी है, वो आपको फंसाना चाहती है। पता नहीं कितने सारे सेक्शंस लगाएंगे आप पर, अब तो बहुत डर लग रहा है। ये सब थानी ने कहा? ध्रुव जी आप कहां जा रहे? पूरे एक साल तक, एक साल तक नजरअंदाज करते हैं उसे हम, लेकिन अब हटने पास थानी बहुत नीचे गिर चुके हैं और हमें भी उसी जगह जाना होगा। ध्रुव जी सुनिए, प्लीज प्लीज गुस्सा मत होइए,
और जब आप थानी से मिलने जाएंगे प्लीज उसे आराम से बात कीजिए, उसे चोट मत पहुंचाइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आप पे कोई सेक्शन लगा दे।